वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने देवास जिले की बागली विधानसभा क्षेत्र के पुंजापुरा में एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने कोरोना काल में आम लोगों को आई समस्या का भी जिक्र किया और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कमलनाथ की चुनावी सभा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। जिले की बात करी, पानी की बात करी, रोजगार की बात करी, शिवराज सिंह तो कुछ भी कह जाए मुझे ताज्जुब है कि कम से कम माफी तो मांग लेते आपसे, माफी मांग लेते कि भाई मैंने धोखा दिया, आगे नहीं दूंगा। ये तो आज आके फिर से नारियल फोड़ने लग जाएंगे। याद रखिएगा क्या मोदी जी ने कहा था 26 मार्च 2020 को, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, कि मैं 20,000 करोड़ रुपए दे रहा हूं। याद है 20,000 करोड़ कोविड से निपटने में। और क्या हुआ, हमारे यहां कितने लोगों की मृत्यु हुई, हमारे देवास क्षेत्र में लगभग 7,000 लोग।